अगर कश्मीर का कोई व्यक्ति सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देखना चाहता था इन 32 वर्षों में, तो उसे श्रीनगर से लगभग 300 किलोमीटर दूर जम्मू जाना पड़ता था फिल्म देखने के लिए, क्योंकि कश्मीर में सिनेमा थिएटर्स पूरी तरह से प्रतिबंधित थे। और ये प्रतिबंध ना तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने लगाया था, ना भारत सरकार ने लगाया था, ना प्रशासन ने लगाया था, बल्कि ये प्रतिबंध लगाया था आतंकवादियों ने, और प्रतिबंध लगा था इस्लाम के कट्टरपंथी विचारों की वजह से। वर्ष 1980 से पहले जब कश्मीर में आतंकवाद का इतना प्रभाव नहीं था, तब कश्मीर बहुत अलग हुआ करता था। उस समय वहां ना तो महिलाओं को हिजाब और बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया जाता था और ना ही फिल्मों को इस्लाम विरोधी चश्मे से देखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा, वैसे वैसे महिलाएं और यहां तक कि छोटी छोटी बच्चियां भी हिजाब और बुर्का पहनने लगीं और फिल्मों को भी इस्लाम विरोधी करार दिया जाने लगा। और खुलेआम श्रीनगर में यह घोषणा की गई कि सिनेमा हॉल्स इस्लाम धर्म को खतरे में डाल रहे हैं, इसलिए इन्हें बंद कर देना चाहिए। वर्ष 1989 में जब आतंकवादी पूरी तरह से कश्मीर के सभी जिलों पर हावी थे, उस समय 18 अगस्त 1989 को अल्लाज टाइगर नाम के एक आतंकवादी संगठन ने कश्मीर के अखबारों में एक धमकी प्रकाशित करवाई, जिसमें लिखा था कि शराब और फिल्मों को इस्लाम धर्म में वर्जित माना गया है, इसलिए अगर कश्मीर में स्थित तमाम शराब की दुकानें और सिनेमा हॉल्स तुरंत बंद नहीं किए गए तो इन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा और यहां बम धमाके किए जाएंगे, और महिलाएं अगर हिजाब और बुर्का नहीं पहनेंगी तो उन्हें आतंकवादी संगठन भयंकर और भयानक सजा देंगे। ये अल्लाज टाइगर्स नाम का एक आतंकवादी संगठन था, उसने ऐसा कहा। हालांकि आतंकवादियों की इस धमकी के बावजूद तब कश्मीर में बहुत सारे सिनेमा हॉल्स चलते रहे और उस वक्त कश्मीर में कुल मिलाकर 19 मूवी थिएटर्स थे, जिनमें से 9 अकेले श्रीनगर में थे। 31 दिसंबर 1989 को जब कुछ जगहों पर अल्लाज टाइगर्स के आतंकवादियों ने हमले कर दिए, तो इसके बाद 1 जनवरी 1990 को किसी भी सिनेमा हॉल में कोई फिल्म नहीं दिखाई गई और सारे शोज उस दिन रद्द हो गए, और तभी से इन तमाम सिनेमा हॉल्स पर धूल जम रही है, जिसे अब हटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कश्मीर में फिल्मों का इतिहास हमेशा से ऐसा नहीं था। श्रीनगर को उसका पहला सिनेमा हॉल आज से लगभग 90 वर्ष पहले 1932 में मिला था। उस वक्त इसे वहां कश्मीर टॉकीज के नाम से जाना जाता था, और तब इस थिएटर पर कोई फिल्म लगती थी तो हजारों लोग यहां पर देखने के लिए आते थे। वर्ष 1940 की यह तस्वीर खास तौर पर आज आपके लिए हमने निकाली है, जिसमें आप कश्मीर टॉकीज के बाहर लोगों की भीड़ को देख पाएंगे। ये पुरानी तस्वीरें देखिए कश्मीर टॉकीज की हैं। वर्ष 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब इस थिएटर को फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी का दफ्तर बना लिया, और 1947 में इसी थिएटर के सामने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक रैली भी की थी। अब बड़ी बात यह है कि उस समय सिनेमा हॉल से इस्लाम को कोई खतरा नहीं था। इसके अलावा उस समय कश्मीर की महिलाएं अपने सिर को तो ढकती थी, लेकिन उन्हें अपना चेहरा ढकने के लिए और बुर्का पहनने के लिए मजबूर नहीं किया जाता था, और महिलाओं के फिल्म देखने पर भी तब कोई पाबंदी नहीं थी। यह बड़ा शानदार दौर था कश्मीर का। यह उस दौर की बात है जब श्रीनगर में 3 बड़े सिनेमा थिएटर्स हुआ करते थे, और वर्ष 1964 में जब मशहूर अभिनेता राज कपूर की फिल्म संगम वहां पर रिलीज हुई, तो इसकी स्क्रीनिंग श्रीनगर के शिराज सिनेमा हॉल पर हुई थी, और तब बड़ी संख्या में लोग इस फिल्म को देखने के लिए इस थिएटर में आए थे। लेकिन 1980 और 90 के दशक में जब कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा और अलगाववादी ताकतें मजबूत हो गईं, तो इन सिनेमा हॉल्स पर ताले लटका दिए गए। यानी आप कह सकते हैं कि उस जमाने में कश्मीर में जो कुछ होता था आतंकवादियों की मर्जी से होता था, लेकिन अब कश्मीर को आजादी मिल रही है। ये एक और नई तरह की आजादी है। हम कहते तो हैं कि 1947 में ही हम आजाद हो गए थे, लेकिन सोचिए हमारे ही देश का एक बड़ा हिस्सा ऐसा था जिसे अब तक आजादी नहीं मिली थी। और क्या आजादी? सिनेमा देखने की आजादी उसके पास नहीं थी। उसके पास वो वोट तो डाल सकता है, लेकिन सिनेमा नहीं देख सकता। आज हमने आज तक की लाइब्रेरी से आपके लिए कुछ पुरानी तस्वीरें निकाली हैं और आपके लिए एक वीडियो विश्लेषण तैयार किया है, जिसे आपको आज बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। हम
हमने देखा है 40 चार बार दूरी देखा है। 5.5 हजार आना टिकट था, 5.5 हजार जो ब्लैक लेता था उसको 8 आना या 9 आना बस। बहुत काम था यहाँ, 12 बजे 1 बजे हम दुकान से जाता था, इतना भीड़ होता था। नीलकंठू के ऐलानिया के बाद यहाँ के सिनेमा हॉल बंद हो गए, तब से आज तक ये पूरे जो सिनेमा हॉल है खंडरात बन गए। ये अब किसे पायरी ना लगता है, क्योंकि 18 साल पहले मैंने यहाँ के हर एक हॉल में पिक्चर देखी है, अब तो मुझे इन हॉलों के नाम तक याद नहीं। चाहते हैं कि ब्रॉडवे सिनेमा का जो एटमॉस्फेयर था वो दोबारा यहाँ क्रिएट हो और आम जनता जो है खासकर यंगस्टर्स उसी तरह से मूवी अरेंज एंजॉय करें जैसे मैं जम्मू जाके या दिल्ली जाके एंजॉय करता हूँ। यहाँ जो छोटे बच्चे हैं जिनको अभी पता नहीं कि सिनेमा हॉल्स कैसे होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सर ने जो भी डिसीजन लिया सिनेमा हॉल खोलने के लिए वो बिल्कुल सही लिया है, क्योंकि श्रीनगर की जितनी भी जनरेशन अभी की है वो सारी डिप्रेशन का शिकार हो गई है। सिनेमा हॉल खोले गए हैं शायद इसकी वजह से ये जो जनरेशन है ये बाहर आएगी इन चीज़ों से। फर्स्ट एक्सपीरियंस है मैंने आज जिंदगी में, पहली बार यहाँ पे सिनेमा मैंने देखा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा महसूस हुआ यहाँ पे।